कहानियाँ, रोमांच और रहस्य। जिमी, क्या तुम हो? 18 वर्ष की होते ही मरीना के मन में एक नई उमंग ने जन्म ले लिया था। उसकी रुचि रोमांटिक उपन्यास पढ़ने में बहुत बढ़ गई थी। वो अपनी मम्मी से छुपाकर कॉलेज से वापस आते समय किताबों के बीच रखकर एक ना एक रोमांटिक उपन्यास खरीद ही लाती थी और फिर रात को कंबल के अंदर मोबाइल के प्रकाश में उसको पढ़ती थी। उन उपन्यासों ने मरीना के अंदर प्यार और आनंद के दोनों ही आभास जगा दिए थे। जैसे जैसे वो उन रोमांचकारी पंक्तियों को पढ़ती जाती थी, उसका शरीर गर्म होने लगता था। धीरे धीरे वो आदत इतनी बढ़ गई कि 10 या 15 मिनट में स्नान करने वाली वो लड़की बाथरूम और टॉयलेट में भी घंटों बिताने लगी और वहाँ भी वैसी ही किताबें पढ़ने लगी। उसको हमेशा ही उसकी माँ का भय रहता था कि कहीं उसकी माँ उसको पकड़ ना ले। वो पढ़े हुए उपन्यासों को छत के ऊपर बने हुए छोटे से कमरे में छुपा कर रख देती थी। उस कमरे में बहुत सा कबाड़ था। कॉलेज के बाद तो मरीना का अपना बेडरूम ही उसकी दुनिया हो जाता था और वो बाहर घूमने जाने से भी इनकार कर देती थी। उसके मम्मी पापा हैरान होती थी कि इतना घूमने फिरने वाली लड़की अचानक ही अपने कमरे में क्यों बंद रहने लगी थी। परंतु उन्होंने सोचा कि शायद पढ़ाई की उसको अधिक चिंता थी। एक रात को जब वो उपन्यास पढ़ते पढ़ते सो गई, उसके सपने में एक आदमी आया। उसको वो आदमी बहुत अच्छा लगा, लंबा, तगड़ा और बहुत ही सुंदर। उसने अपने सपने के उस आदमी को जिमी नाम दे दिया। फिर तो वो उस आदमी के सपने बहुत बार देखने लगी। वो अंग्रेजी बोलता था और मरीना सपने में उसका हाथ थामे बहुत जगहों पर जाती थी। वो उसको कभी कभी चूम भी लेता था। धीरे धीरे उसके सपनों का राजकुमार उसके जीवन में हर जगह उसको दिखने लगा। वो अपने आप ही मुस्कुरा देती थी और लोग हैरान होकर उसको देखते थे। कई महीनों तक उसने उस आदमी को अपने सपनों में कई बार देखा। एक दिन उसने सपने में देखा कि वो बिस्तर पर सफ़ेद नाइट गाउन पहने बैठी थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं की रानी थी। तभी जिमी ने कमरे में प्रवेश किया और फिर उसको उठाकर अपनी गोदी में बैठा लिया और बहुत देर तक उसको चूमता रहा। उस रात के सपने में उसको जीवन का वो आनंद मिला जो वास्तविक जीवन में उसको कभी भी नहीं मिला था। उसके कानों में एक मधुर संगीत बज रहा था और फिर कुछ देर के बाद वो बिस्तर पर लेटी हाँफ रही थी और जिमी उसके शरीर के ऊपर लेटा था। कुछ देर के बाद वो सपने में जिमी के साथ नाच रही थी। जब उसका सपना टूटा, उसको लगा कि उसके पूरे शरीर में मीठा मीठा सा दर्द हो रहा था। वो उस दिन काफ़ी देर तक सोई रही और सुबह देर से जागी। अगले दिन से वो उस सपने को फिर से देखने की आशा में 7 बजे ही सोने लगी। सपनों की दुनिया तो मरीना के लिए बहुत ही सुंदर होती जा रही थी, परंतु उसका वास्तविक जीवन खराब होता जा रहा था। उसका पढ़ाई से ध्यान हटने लगा, वो बहुत ही चुप चुप रहने लगी। एक दिन उसको ऐसा लगा कि उसके कमरे में कोई था। उसको लगा कि अचानक ही कोई उसके गाल को छूकर गायब हो गया था। उसने इधर उधर देखा पर कमरे में कोई भी नहीं था। एक रात को मरीना के परिवार वाले बाहर गए हुए थे। उसने अपनी 2 सहेलियों को अपने घर बुला लिया और उनके साथ टेलीविज़न देखने लगी। 3 सहेलियों ने बाज़ार से खाना भी मंगवा लिया था। तभी अचानक मरीना का म्यूज़िक सिस्टम अपने आप ही चालू हो गया। उसने सोचा कि शायद उसकी किसी सहेली ने उसको चालू कर दिया था, पर ऐसा नहीं था, वो अपने आप ही बजने लगा था। तभी अचानक मरीना के बाथरूम से कुछ आवाज़ें आने लगी।
उसने सोचा कि शायद उसके मम्मी डैडी वापस आ गए थे, परंतु ऐसा नहीं था। बाथरूम से किसी की अंग्रेजी बोलने की आवाज़ आ रही थी। उसने टेलीविज़न की आवाज़ कम कर दी और बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर बोली, जिमी क्या तुम हो बाथरूम में? आवाज़ आनी बंद हो गई है। उसकी सहेलियाँ हंसने लगी क्योंकि उनको तो कोई भी आवाज़ नहीं आई थी। वो हैरानी से मरीना को देखने लगी थी। कुछ देर के बाद उसकी सहेलियाँ अपने घर चली गई। रात को मरीना का सपना फिर शुरू हो गया। सपने में जिमी ने उसको कसकर पकड़ लिया और उसके कान में धीमे से कहा, मरीना तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं। तुमको कोई भी मुझसे अलग नहीं कर सकता है। अगले कई दिनों तक उसके कमरे में बड़ी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी उसको लगता कि उसके बिस्तर पर उसके साथ कोई सोया हुआ है, कभी उसके गाल पर अचानक ही एक लाल निशान दिखने लगता। आखिर एक दिन उसने डरते डरते मम्मी पापा से कह दिया कि उसके कमरे में कोई था। उसने कहा कि उसको अपने कमरे में डर लगने लगा था, पर उसके मम्मी पापा ने उसकी एक नहीं सुनी। अंत में हार कर उसके मम्मी पापा ने मरीना से एक बरस छोटी बहन मोनिका को मरीना का कमरा दे दिया और मरीना को मोनिका के कमरे में चले जाने को कह दिया। नए कमरे में आने के बाद मरीना को सपने दिखने बंद हो गए। एक बरस बीत गया और मरीना को सब कुछ सामान्य लगने लगा। एक दिन मरीना की माँ ने मरीना से कहा कि वो मोनिका के कमरे में जाकर उसके साथ सफाई कर दे। एक बरस के बाद मरीना अपने कमरे में गई। वो अपनी बहन के साथ मिलकर सफाई करने लगी। मरीना ने देखा कि उसकी बहन मोनिका बहुत ही खुश दिख रही थी। वास्तव में जब से मोनिका मरीना के कमरे में रहने आई थी, वो कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगी थी। दोनों बहनें मिलकर कमरे की सफाई कर रही थी, तभी अचानक मरीना की बहन मोनिका हंसने लगी और बोली, प्लीज़ जिमी मत करो ये सब, मुझे गुदगुदी होती है। मरीना के हाथ से सामान नीचे गिर गया और वो हैरान होकर अपनी बहन को देखने लगी। उसने मोनिका से कहा, क्या नाम लिया था तुमने अभी, क्या कहा था तुमने अभी? मोनिका ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मरीना ने मोनिका को घूर कर देखा और कहा, जिमी वही जिमी जो अंग्रेजी बोलता है और डांस भी करता है। जवाब में मोनिका हंसने लगी लेकिन फिर बोली, हाँ वही है, पर वो अच्छा आदमी नहीं है, क्या क्या करता है मेरे साथ। कहने के साथ ही मोनिका ने अपनी टी शर्ट उतार दी। मरीना उसके कमर से ऊपर के शरीर को देखकर हैरान हो गई। मोनिका की छातियों और पेट पर नाखूनों के द्वारा बनाई हुई खरोचों के दाग साफ दिख रहे थे। मोनिका हंसती ही जा रही थी। जिमी को तो प्यार भी नहीं करना आता, पूरा जंगली है। बहुत बहुत शुक्रिया।